हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपको नुमाइश से खरीदी हुई अपनी जो ज्वेलरी है, जो मैंने शॉपिंग करी है, वो आपके साथ दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे कहा था कि मैं नुमाइश में गई थी, तो मैंने इयर रिंग्स भी लिए थे, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और थोड़े से मैंने नेकलेस और मतलब इयर रिंग्स हैंगिंग्स का सेट लिए थे। हल्के हल्के हैं, बीट्स वाले, बहुत महंगे भी नहीं, 50-50 रुपए के मुझे सेट मिल गए। मैं ले लेती हूँ, कभी किसी को देना हो, बच्चे को या फिर अपने आप भी, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद करती हूँ। देखिए, उसमें से एक है ये सीप वाली, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये सीप वाली ज्वेलरी। मेरे पास इयर रिंग्स तो थे, लेकिन इस सेट से मैंने कभी नहीं खरीदी थी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, हिमाद्री भी आपको कुछ दिखा रही है। ये देखिए, सीप की है, ये सीप रंग है, और उसके बीच बीच में ये बीड्स पड़े हुए हैं, और उसके साथ ये छोटे छोटे इयर रिंग्स। अभी मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये सीप वाली ज्वेलरी पहन ली है। कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है। खैर, कुछ यूनिक सी ही, आप सूट के साथ और साड़ी के साथ भी आप पहनेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। यूनिक सी है और अच्छी लग रही है। सेकेंड ज्वेलरी जो चेन है और इयर रिंग्स है, इसमें भी सीप लगी हुई हैं, और थोड़े से ये देखिए झुमकी स्टाइल है, ब्लू कलर की, ब्लू सूट के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। और पतली सी सिल्वर कलर की चेन है, और इसमें जो पेंडेंट है, इसमें भी सीप, और इस तरीके से झुमकी स्टाइल, पॉम पॉम स्टप की टाइप के ये लगे हुए हैं। ये भी मुझे अच्छी लगी। मतलब ये ज्वेलरी मेरे पास थी नहीं, जो मुझे मतलब अलग सी लगी वही मैंने खरीदी। तो ओनली 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ में क्या मिलता है? मेरे ख्याल से तो 50 रुपीज़ में ये बहुत बढ़िया ज्वेलरी मिल रही है। मम्मा, ये देखिए, मैंने इयर रिंग्स और ये छोटा सा जो चेन वाला पेंडेंट है, ये पहन लिया है, और ये मेरे इस फ्रॉक के साथ तो सूट भी कर रहा है, क्योंकि ये ब्लू कलर का ही है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं तीसरे इयर रिंग्स और जो ये नेक सेट है उसके। ये है कुछ इस तरीके का, देखिए डबल शेप में है, ग्रीन साड़ी, ग्रीन सूट और रेड सूट में भी ये चलेगा, और इसमें इस तरह का पेंडेंट है। हिमाद्री इधर से उधर जा रही थी तो बाजा तो बजा ही देती है मेरी वीडियो का, वो गर्व का काम भी है, इसका भी है। मैं कहती हूँ शांति से बैठ जाओ, लेकिन ये लोग नहीं बैठते हैं, और चेयर से गिर गई, बस रोई नहीं। तो ये देखिए, थोड़ा एंटीक सा कलर है, और इसके जो बीच में है यहाँ पर ये गणेश जी बने हुए हैं, तो ये भी अच्छा है, अच्छा सा लगा। और इसमें ये छोटे छोटे देखिए इस तरीके के इयर रिंग्स है, तो ये सेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये पहन लिया है, ये भी अच्छा लग रहा है। मतलब वहाँ बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल रही है, और 50, 100, 150, जैसे जैसे मतलब थोड़ा सा उसका जर्किन या मतलब थोड़ा सा हैवी होता जा रहा है, थोड़े से रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट से बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है। आप मार्केट में ये लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि 50 रुपीज़ की ये मिलेगी। ऑनलाइन भी लेंगे तब भी ये महंगी पड़ेगी। तो मुझे ये भी अच्छी लग रही है, बताइएगा ये आपको कैसी लग रही है। खैर, मुझे तो सभी अच्छी लग रही है, जो मैंने ली है वो तो मेरी पसंद की होगी। नेक्स्ट है ये रेड कलर का। रेड कलर वैसे मेरे पास थी पहले भी, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। ये भी देखिए, थोड़ा एंटीक सा गोल्डन लुक वाला है, और ये भी बीड्स वाला है, और रेड कलर के सूट में, साड़ी में, सब में ये अच्छा लगेगा। तो इसमें भी इयर रिंग्स जो है, सब में इयर रिंग्स इसी टाइप के, ना ये बहुत हैवी हैं, ना ये लाइट वेट है, मतलब अच्छा सा लग रहा है आपको, मतलब आप आराम से पहन सकते हैं, लुक भी अच्छा आ रहा है, और पहनने में से परेशानी भी नहीं होगी। तो देखिए, मैंने अपनी चौथी जो ज्वेलरी है, नेकलेस और इयर रिंग्स का सेट है, वो भी पहन लिया है। ये भी मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये इतने ही फोर्ड मैंने आपको दिखा दी, ये मल्टी शेड सीप वाला और ब्लू कलर का, ये चार सेट लिए थे। हाँ, चार ही लिए थे, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता, मैंने कभी कभी किधर रख देती हूँ, कभी किधर रखती हूँ। तो आपको मेरी ये ज्वेलरी कैसी लगी बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड Bye-bye.